दोस्तों अगर आप भी इस मैच में रोमांच को देखकर खुश हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों अफगानिस्तान के खिलाफ भारतीय टीम ने दूसरे सुपर ओवर में हासिल की शानदार जीत, तो क्या बोले पाकिस्तान के तमाम दिग्गज। जी हां दोस्तों, भारत और अफगानिस्तान के बीच खेले गए तीसरे T20 मैच में भारतीय टीम को शानदार जीत मिली है। ऐसे में भारतीय टीम की जीत के बाद पाकिस्तान के दिग्गज रमीज राजा, शोएब मलिक से लेकर शोएब अख्तर, वसीम अकरम ने भारतीय खिलाड़ियों की तारीफ करते हुए पाकिस्तान की टीम को फटकार लगाने के साथ एक ऐसा बयान जारी कर दिया जिसको सुनकर आपको भी अपने कानों पर यकीन कर पाना मुश्किल होगा। तो आखिरकार भारतीय टीम की जीत के बाद पाकिस्तान के दिग्गजों ने क्या कहा, ये तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है भारतीय टीम की इस मैच में सांस रोक देने वाली जीत के बाद आप क्या कहना चाहेंगे, कॉमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों जैसा की आपको पता है, भारत और अफगानिस्तान के बीच खेले गए तीसरे T20 मैच में भारतीय टीम ने दूसरे सुपर ओवर के अंदर जीत दर्ज कर अफगानिस्तान को बुरी तरीके से हराया। इस मैच में भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी कर 214 रन 4 विकेट के नुकसान पर बनाए थे और इसका पीछा करने उतरी अफगानिस्तान ने स्कोर को बराबरी पर पहुंचाया। जहां पहले सुपर ओवर के अंदर भी अफगानिस्तान ने स्कोर को बराबरी पर पहुंचाने के बाद दूसरे सुपर ओवर में भारत के खिलाफ हार का सामना किया, जिसके बाद पाकिस्तान के दिग्गजों ने बड़ा बयान दिया है, जिसमें रमीज राजा ने बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम को अफगानिस्तान के खिलाफ इस मैच में शानदार जीत मिली है। इस मैच में भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने दिखा दिया कि कैसे वो संतुलन के दम पर आसानी से जीत दर्ज कर सकते हैं। इस मैच के अंदर भारतीय टीम की तरफ से कोई भी खिलाड़ी ऐसा नहीं था जिसने जीत के लिए टीम के अंदर महत्वपूर्ण योगदान न दिया हो, और यही कारण है कि भारतीय टीम इस मैच को आसानी से जीत गई। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भारतीय टीम ने दूसरे सुपर ओवर में जीत दर्ज करते हुए बताया कि वो इस मैच को जीतने के लिए कुछ भी कर सकती है, और ऐसे में भारतीय टीम की दूसरे ओवर तक जाकर जीत दर्ज करने की जिद को देखकर पाकिस्तान की टीम को काफी कुछ सीखने की जरूरत है जिससे टीम में कुछ बदलाव हो सके। तो वहीं शोएब मलिक ने बयान देते हुए कहा कि अफगानिस्तान के खिलाफ भारतीय टीम के खिलाड़ियों का बेहतरीन प्रदर्शन देखने को मिला है, पूरी सीरीज के अंदर भारतीय टीम ने सभी को प्रभावित किया और ऐसे में अब भारतीय टीम को कोई भी दिक्कत लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस मैच के अंदर भारतीय टीम की तरफ से कोई भी खिलाड़ी ऐसा नहीं था जिसने खराब प्रदर्शन किया हो। सभी ने अपना बेहतरीन योगदान देते हुए टीम को जीत दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भारतीय टीम के लिए कप्तान रोहित शर्मा से लेकर सभी खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन कर दूसरे सुपर ओवर में जीत दर्ज की और बताया कि किसी भी कीमत पर आपको अंतिम समय तक मैच में जीत दर्ज करने की कोशिश करनी होगी, जो कि भारतीय टीम ने करके दिखाया है। तो वहीं शोएब अख्तर ने बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम के सभी खिलाड़ियों ने इस मैच के अंदर अच्छा प्रदर्शन किया, सभी ने एकजुट होकर अच्छा प्रदर्शन करते हुए बताया कि कैसे वो किसी भी टीम को आसानी से हरा सकते हैं। हालांकि भारतीय टीम ने मैच के अंदर प्रदर्शन शुरू किया था, लेकिन जिस तरीके से टीम के अंदर वापसी कप्तान रोहित शर्मा रिंकू सिंह के साथ मिलकर दिखाते हैं, उसके चलते भारतीय टीम के अंदर एक अलग ही स्फूर्ति आ गई और भारतीय टीम ने इस मैच को दूसरे सुपर ओवर तक ले जाने का काम किया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भारतीय टीम ने दूसरे सुपर ओवर मैच में जीत दर्ज करते हुए सभी को प्रभावित कर दिया है और बता दिया कि T20 मैच को किस तरीके से खेला जाता है। ऐसे में भारतीय टीम के इस प्रदर्शन से पाकिस्तान टीम काफी कुछ सीखने की जरूरत है। तो वहीं वसीम अकरम ने बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम की तरफ से सभी खिलाड़ियों ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए इस मैच को अपने नाम किया है। इस मैच के अंदर भारतीय टीम की तरफ से कोई भी खिलाड़ी ऐसा नहीं था जिसने खराब प्रदर्शन किया हो। हालांकि भारतीय टीम की तरफ से सभी बल्लेबाजों की बेहतरीन बल्लेबाजी और सभी गेंदबाजों की बेहतरीन गेंदबाजी देखने को मिली, जो कि प्रमाण है कि भारतीय टीम को भारत के घर में हरा पाना काफी मुश्किल है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इस मैच में भारतीय टीम ने दूसरे सुपर ओवर के अंदर जीत दर्ज करते हुए बता दिया कि भारतीय टीम को अंतिम समय तक हराने के बारे में सोचना और कोशिश करना काफी ज्यादा कठिन है। ऐसे में भारतीय टीम की जीत दर्ज करने की ललक को देखकर पाकिस्तान टीम को काफी कुछ सीखने की जरूरत है। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, भारत और अफगानिस्तान के बीच खेले गए तीसरे T20 मैच में बेंगलोर के मैदान पर भारतीय टीम ने डबल सुपर ओवर के अंदर जीत दर्ज की है। आपको बता दें, इस मैच में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए रोहित शर्मा के शतक और रिंकू सिंह के अर्धशतक के दम पर 212 रन 4 विकेट के नुकसान पर पहुंचाए और अफगानिस्तान ने लक्ष्य को हासिल करने के बजाय बराबरी कायम की। जहां पहले सुपर ओवर में भी अफगानिस्तान ने लक्ष्य को बराबरी पर हासिल किया, लेकिन दूसरे सुपर ओवर में भारत ने जीत दर्ज की। ऐसे में भारतीय टीम की जीत के बाद न्यूजीलैंड के दिग्गजों ने सनसनी मचा देने वाला बड़ा बयान जारी कर दिया है, जिसमें स्टीफन फ्लेमिंग ने बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम को सुपर ओवर के अंदर मिली जीत के बाद मैं काफी ज्यादा खुश हूं, क्योंकि भारतीय टीम ने आज के मैच में काफी ज्यादा बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए सभी को प्रभावित किया है।
क्योंकि इस मैच के अंदर भारतीय टीम ने दिखा दिया कि किस तरीके से आपको टी20 क्रिकेट खेलना चाहिए और कैसे दबाव में जीत हासिल करनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि मैच में भारतीय टीम की तरफ से रोहित शर्मा ने बेहतरीन बल्लेबाजी करने के साथ बेहतरीन कप्तानी करके दिखाई है, साथ में भारत को जीत दिलाने का कार्य किया है। इस मैच के अंदर जिस प्रकार से भारतीय टीम ने जीतने की जिद को नहीं छोड़ा है वो वास्तव में काबिले तारीफ है। मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय टीम के इस मैच को सबसे यादगार मैच के रूप में याद किया जाना चाहिए। तो वहीं रॉस टेलर ने बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम को सुपर ओवर के अंदर जीत मिली है, जिसको देखकर हर कोई हैरान रह गया। किसी को भी नहीं लगता कि इस तरीके से मैच काफी ज्यादा रोमांचक हो सकता है। पहली बार टी20 के अंदर दो सुपर ओवर हुए हैं, जो काफी हैरान कर देने वाला मोमेंट है। लेकिन भारतीय टीम ने इस मैच के अंदर बेहतरीन तरीके से प्रदर्शन करते हुए अफगानिस्तान के खिलाफ जीत हासिल की है, जो ये दर्शाता है कि भारतीय टीम के पास काबिलियत की कमी नहीं है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम के लिए इस मैच में सभी खिलाड़ियों ने बेहतर प्रदर्शन किया। उन्होंने बताया कि इसे भारतीय टीम को अंतिम समय पर बेहतर प्रदर्शन करके जीत दर्ज करनी है आता है। तो वहीं मार्टिन गुप्टिल ने बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम ने अफगानिस्तान के खिलाफ इस मैच में जीत दर्ज करने के साथ पूरी दुनिया को प्रभावित कर दिया है। पूरी दुनिया को बता दिया है कि भारतीय टीम के खिलाफ किसी भी कीमत पर आसानी से जीत दर्ज नहीं की जा सकती है। इस मैच में अफगानिस्तान की टीम ने सभी को टक्कर दी है, लेकिन भारतीय टीम ने बताया है उनको उसके घर में हराना काफी ज्यादा मुश्किल कार्य है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम ने आज के मैच में सुपर ओवर के लिए चलिए एक ऐसा कार्य किया है जो शायद कोई और टीम नहीं कर पाती। इसलिए मैं मैच में कई यादगार मोमेंट हैं, लेकिन भारतीय टीम ने जिस प्रकार से प्रदर्शन किया है उससे बेहतर प्रदर्शन शायद और कोई हो नहीं सकता है। तो वहीं ब्रेंडन मैकिलम ने बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम को अफगानिस्तान के खिलाफ इस मैच में मिली जीत के लिए हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि इस मैच में भारतीय टीम ने जिस प्रकार से बेहतरीन प्रदर्शन किया है वह शायद कोई और टीम नहीं कर सकती थी। क्योंकि इस मैच के अंदर भारतीय टीम की तरफ से सिर्फ एक खिलाड़ी ने बेहतर प्रदर्शन नहीं किया है, बल्कि पूरी टीम ने संतुलन के दम पर जीत दर्ज करने का कार्य किया है, जो किसी भी टीम के लिए आसान कार्य नहीं होता है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि सुपर ओवर में मैच को ले जाने के बाद जीत दर्ज करने के लिए चलते ही भारतीय टीम को आज जीत मिली है। ऐसे में मेरा मानना है कि भारतीय टीम इसी तरीके से प्रदर्शन करती रही तो उनको हराना मुश्किल है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, भारत और अफगानिस्तान के बीच बेंगलुरु के मैदान पर अंतिम टी20 मैच खेला गया है, जिसमें भारतीय टीम को शानदार जीत मिली है। आपको बता दें, इस मैच में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 212 रन 4 विकेट के नुकसान पर रोहित शर्मा के शतक और रिंकू सिंह के अर्धशतक के दम पर बनाए, जहां पीछेकर अफगानिस्तान ने मैच को बराबरी पर ला खड़ा किया और पहला ओवर भी बराबरी के साथ समाप्त किया। लेकिन दूसरे सुपर ओवर में मैच के अंदर भारतीय टीम ने अफगानिस्तान की टीम के खिलाफ बेहतर प्रदर्शन करते हुए मैच को अपने नाम करते हुए सीरीज को अफगानिस्तान के खिलाफ जीतकर क्लीन स्वीप कर दिया, जिसके बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय टीम की जीत के बाद प्रधानमंत्री को मालामाल कर बयान जारी किया है, जिसमें नरेंद्र मोदी ने बयान देते हुए कहा है कि भारत और अफगानिस्तान के बीच खेले गए अंतिम टी20 मैच में भारतीय टीम की जीत को देखकर मैं काफी ज्यादा खुश हूं, क्योंकि जिस प्रकार से भारतीय टीम ने बेहतर प्रदर्शन करके सीरीज के अंदर किया है वह वास्तव में काबिले तारीफ है। इस सीरीज के पहले दोनों मैचों में भारतीय टीम ने एक तरफ अंदाज से मैच को अपने नाम किया और भारतीय टीम को सीरीज में जीत दिला दी, लेकिन जिस प्रकार से भारतीय टीम ने अंतिम टी20 मैच में रोमांच के दम पर जीत हासिल की है, इस मैच के अंदर भारतीय टीम की तरफ से कोई भी खिलाड़ी ऐसा नहीं है जिसने खराब प्रदर्शन किया हो, और सभी खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है और भारतीय टीम को जीत में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस दौरान रोहित शर्मा ने कप्तान होने के नाते सबसे बेहतर प्रदर्शन करके दिखाया और मेरे अनुसार तो इस मैच में भारतीय टीम के जीत के हीरो सबसे बड़े भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि इस मैच के अंदर भारतीय टीम की तरफ से कोई भी खिलाड़ी ऐसा नहीं था जिसने बेहतरीन बल्लेबाजी और गेंदबाजी न की हो। हालांकि मैच के दौरान भारतीय टीम को खराब शुरुआत मिली, लेकिन जिस प्रकार से रोहित शर्मा ने रिंकू सिंह के साथ मिलकर तूफानी बल्लेबाजी करते हुए मैच को भारत के पक्ष में कराया और भारतीय टीम को मजबूती के साथ आगे ले जाने का काम किया, उसकी तारीफ होनी चाहिए। हालांकि रोहित शर्मा रिंकू सिंह की बल्लेबाजी के बाद भारतीय टीम का बेहतर प्रदर्शन देखने को मिला, जहां पर भारतीय टीम की तरफ से वाशिंगटन सुंदर ने शानदार गेंदबाजी का मैच को बराबरी पर पहुंचा दिया। इस बीच सुपर ओवर में मुकेश कुमार अभी बिश्नोई के शानदार गेंदबाजी के साथ भारतीय बल्लेबाजों के शानदार बल्लेबाजी और कप्तान रोहित शर्मा की चतुर गेंदबाजी के दम पर भारतीय टीम ने सीरीज को अपने नाम किया, जिसको देखकर मैं काफी ज्यादा खुश हूं। इतना ही नहीं, नरेंद्र मोदी ने भारतीय टीम की जीत के बाद भारतीय खिलाड़ियों को मालामाल भी किया है, जहां पर भारतीय टीम की तरफ से कप्तान रोहित शर्मा को इस मैच में 69 गेंद पर 11 चौके 8 छक्के की मदद से 121 रन की नाबाद पारी खेलने के लिए, साथ में दूसरे ओवर में बेहतर बल्लेबाजी करने और अपनी कप्तानी के दम पर सभी को प्रभावित करने वाले 5 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। साथ में रिंकू सिंह को इस मैच में बेहतरीन बल्लेबाजी के लिए जीत की मुख्य भूमिका निभाने के लिए 5 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। नहीं,
वाशिंगटन सुंदर को 3 विकेट लेने के लिए 2 करोड़ रुपए का ऐलान किया है। साथ में रवि बिश्नोई को सुपर ओवर में मैच जिताने के लिए 2 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। तो इसके अलावा मुकेश कुमार, विराट कोहली को भी 1-1 करोड़ देने का ऐलान किया। इसके अलावा मैन ऑफ द सीरीज सीएम दुबे को 10 करोड़ रुपए देने का ऐलान नरेंद्र मोदी ने किया है।